वृद्धापकाळात आपल्याला सांभाळण्यासाठी इतर व्यक्तींची गरज भासू शकते, मात्र ही परिस्थिती आपल्यावर उद्भवणार नाही। आपण स्वतंत्ररित्या स्वतःवर अवलंबून राहावे हे आपल्याला ऑक्युपेशनल थेरपीच्या माध्यमातून शिकता येते, अशी माहिती कंगराळी बुद्रुक गावात आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात देण्यात आली। सदर कार्यक्रम डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल व ग्राम पंचायत सदस्य प्रदीप पाटील यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आला होता। यावेळी गावातील सर्व नागरिकांचे मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर करण्यात आले आहे। यावेळी डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी गावातील नागरिकांना आरोग्याची काळजी कशा प्रकारे घ्यावी, तसेच आपल्याला काहीही झाल्यास डॉक्टरांकडे जाऊन माहिती घ्यावी, तसेच ऑक्युपेशनल थेरपी विषयी अधिक माहिती देऊन सर्वांना मार्गदर्शन केले। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपके वजह से ये कैंप हो पा रहा है। सबसे ज़्यादा शुक्रिया और प्रदीप सर का, क्योंकि वो मुझे हर वक्त, मैंने उनको जब भी फ़ोन किया है, जब भी कॉल किया, मतलब ये चाहिए वो चाहिए, सर हमेशा मुझे साथ दिए हैं। और थैंक यू जो ओमकार भी हो, मैंने बहुत हेल्प किया है। पर डिपार्टमेंट के बारे में बोले तो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग थेरेपी सोचे तो सबको लगता है कि कुछ तो मतलब पेन होगा, उसको रिड्यूस करेंगे, थेरेपी देंगे, पर कैसे हम खुद को मतलब खुद का खुद जिम्मेदारी उठा सकते हैं बिना पेन के? अगर हमको पेन हो रहा है, हम किसी दूसरे का बिना हेल्प के कैसे वो पेन को रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में सिखाते हैं। दूसरा क्या है, जैसे हम देखते हैं जब जैसे ओल्ड एज, मतलब जैसे बुढ़ापन आता है, धीरे धीरे वयस बढ़ते टाइम में हमें कमजोरी आता है, ये आता है, तो हम लोग क्या होते हैं, सबके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसके ऊपर भरोसा करके बैठ जाते हैं, वो जब तक नहीं आएगा तब तक हम खाना भी नहीं खा पाएंगे। तो वो कैसे हम लोग इंडिपेंडेंटली कर पाएंगे, खुद कर सकते हैं, इसके लिए हम थेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं। और बच्चों के लिए कैसा, जिसको आजकल देख रहे हैं ज़्यादा बच्चे किसी को ऑटिज्म ज़्यादा बोल रहे हैं, ऐसे ऑटिज्म में बच्चा बोलना लेट से बोलता है, हाँ मतलब पढ़ाई लेट से करता है, कुछ समझता नहीं, पहचानता नहीं ये मेरे मम्मी है, ये पापा है, कि ये मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ये पढ़ना चाहिए। बच्चा 6 साल का होगा पर उसका बिहेवियर 6 महीने के जैसे होता है, उसको कैसे हम उसके एज के बराबर कर सकते हैं, सोसाइटी में वो बच्चे को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, जो नहीं बोलेंगे कि उसको मानसिक विकलांग है, वो मानसिक विकलांग और ऑटिज्म दोनों अलग होता है, ये सबको समझना चाहिए। और जैसे मानसिक विकलांग को भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि हमारा सीजोफ्रेनिया ज्यादा से ज्यादा चल रहा है, किसी का मेमोरी लॉस हो जाता है, याद नहीं आता है। या प्रसंगी मराठी शाळा SRMC अध्यक्ष मोहन भैरटकर, ग्राम पंचायत सदस्य प्रदीप पाटील, एलओजी पाटील, बाबू दोडमनी, रेखा सुतार, भारता पाटील, मल्लाप्पा पाटील, मयूर बसरीकटी यांच्यासह गावकरी, नर्स, डॉक्टर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। विश्वनाथ देसाई, KNN City News, बेळगाव।